एवरीवन एंड वेलकम. आज हम आपके लिए एक स्पेशल ट्रीट लाए हैं. अंगद का आज तक का सबसे बड़ा शो. जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों लोग जमा हो गए हैं. इट्स अ क्रेजी क्राउड. इस शो में काफी सारी हस्तियां आई हुई हैं. चलिए आपसे एक हस्ती से मुलाकात करवाते हैं. वेलकम अनुज जी. हाय. आपने अंगद जी के शो के लिए इतना कीमती वक्त कैसे निकाला? देखिए, मैं अंगद के लिए अगर वक्त ही निकालूंगा तो किसके लिए निकालूंगा? बिकॉज़ आई लव हिज सिंगिंग. मैं उसकी आवाज का दीवाना हूं. आई मेड इट अ पॉइंट टू कम हियर एंड वॉच हिज शो बिकॉज़ ही इज अ रॉक स्टार. ही इज फैंटास्टिक एंड आई वांट टू वॉच हिम परफॉर्म. Great sir, enjoy yourself. I'm going to enjoy every second. You all enjoy because he's a damn good singer. I'm looking forward to just getting a place and just watching the show. Angad live. Thank you. एक और हस्ती है जो हम सब से छुप कर बैठी है. चलिए अब कौन से मिलाते हैं? आप भी अंगद के फैन हैं? जी जी, मैं भी अंगद का फैन हूँ. जिस तरह से सभी. That's really great. तो क्या आप कुछ परफॉर्म करेंगे हमारे लिए? वो तो सरप्राइज है कि मैं परफॉर्म करूंगा कि नहीं करूंगा. डांसर्स तैयार नहीं हुए. ये सब क्या हो रहा है? बस दो मिनट मैम, दो मिनट. अरे कॉस्ट्यूम्स तैयार हुए कि नहीं? अरे लाइट मैन कहाँ है? फॉग मशीन लगा दी. एक्सक्यूज मी मैम. मैम बाहर बहुत क्योस है. ऊपर से प्रेस वाले भी अंदर बैक स्टेज में आना चाहते हैं और ऊपर से वो जिद कर रहे हैं कि उन्हें अंगद सर से बात करनी है. नहीं अनामिका, अंगद शो से पहले किसी से नहीं मिलेगा. ये प्रेस वालों को बता दो. शो के बाद वो जितना चाहे सवाल पूछ सकते हैं. यस मैम. और इस सब में प्लीज अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. कल्पना को इन्हीं गलतियों की वजह से उसे फायर किया था. मेक श्योर तुम वो गलती ना करो. यस आई विल मैम. अंगद तैयार हुआ? हाँ हो रहा है आंटी, बस उसे जैकेट देना. जो भी है जल्दी करो, शो 5 मिनट में शुरू होने वाला है. जी आंटी. ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? जी आंटी, वो अंगद अपने शो के पहले किसी से नहीं मिलता और बहुत सारे काम हैं. आप लोग प्लीज ऑडिटोरियम में जाके अपनी जगह ले लीजिए, नहीं तो पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलेगी. जी आंटी. 8 बज गए. Let the show begin. ಅಂಗಂದರ ಹಾಡು ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. 8 ಬಜೆ ಟಿವಿ ಪೇ ಅಂಗದ ಕಾ ಶೋ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ. ಐ ಲವ್ ಅಂಗದ. ಮೈ ಅಪ್ನೆ ಸಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ ರಹಿ ಹೂಂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅಂಗದ ಕಾ ಶೋ ಹೈ ಆಜ್. ಅಂಗದ ಕಾ ನಯಾ ಆಲ್ಬಮ್ ಕೈಸಾ ಯೆ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ ರಾಕ್ಸ್. ಐ ಲವ್ ಅಂಗದ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಅಂಗದ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೀ ದ ಅಂಗದ್ ಶೋ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಸೋ ಜಲ್ದಿ ಜಲ್ದಿ ಘರ್ ಚಲ್ತೆ ಹೈ. ಓಕೆ. ಅಂಗದ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್. ಐ ಮಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಟಿವಿ ಶೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ daughter is also a fan of Angad. Oh, I just love his music. Angad rocks. Hey guys, aap sab jante hain hum yahan kyun aaye hain? Angad ke show ke liye aaye hain, right? Before I say anything, आप मेरे साथ बोले Angad.
Kaisa Ye Pyar Hai, Kaisa Ye Pyar Hai. कैसा लग रहा है आपको इतने अच्छे शो के बाद? आप हमें आपके नए एल्बम कैसा ये प्यार के बारे में कुछ बताइए। इतने रोमांटिक एल्बम के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? ये करके मैं आपके किसी और साल का जवाब कुछ और दे दूंगा, और वैसे भी अब हम मिसकोट करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो आप पूछ रहे थे कि ये कौन सा कैसा है? सिंपली ग्रेट। मैं अपने फैंस को इतना खुश देख के बहुत खुश हो जाता हूँ। अंगद, इतनी रोमांटिक एल्बम के पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। प्यार वजह है जिंदा रहने की। प्यार की वजह है सांसें लेने की। एक सच्चाई है वजूद की। जब कोई इंसान प्यार में होता है तो और भी प्यारा हो जाता है, एक बेहतर इंसान हो जाता है, वो दूसरों को अच्छी तरह समझने लगता है। प्यार एक शोर है जो खामोशियों को भंग कर देता है, एक खामोशी है जो तूफानों को थमा देता है। वाओ, कितनी अच्छी तरह से बात कर रहा है ना वो, इतनी कामयाबी के बाद भी ही सो डाउन टू अर्थ। अंगद की फोटो हमेशा यही तो रहती थी, कहां गई? कहीं स्टडी रूम में तो नहीं रह गई? स्टडी रूम में जाकर ढूंढती हूं। We'll be right back.
इतनी रात को आउटहाउस में कौन आया है? तुमने तो कहा था कि ये जगह तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए है। तो क्या तुम मुझे सिर्फ अपना एक दोस्त समझते हो? मैंने कहा था स्पेशल फ्रेंड्स के लिए, वेरी वेरी स्पेशल फ्रेंड्स। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है ऑटोग्राफ देने का। इस तरीके से I will own you now। पर मैं तो हर तरीके से तुम्हारी हूँ, all yours, mind, body and soul।